और आपने मुझे जो मैंने आर्मी में रखा है। ये भाई हैं हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी कामला है। आपकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं? मेरी यही ड्यूटी है कोई गलत काम इधर ना करे, कोई गलत तस्वीर किसी की ना खींचे। और आपने मुझे जो मैंने आर्मी में रखा है। हम मतलब नीचे वाटर स्ट्रीम की तरफ भी गए, फिर इसके बाद जो है ना मतलब एक घूमे फिरे सारा कुछ, तो अभी थोड़ी देर बाद जो है ना फिर मतलब है कि हम यहाँ से निकलने की करेंगे। ये नथिया गली को तकरीबन हम अभी पहुँच ही गए हैं। ये साइडों पे अब बर्फ़ देख रहे हैं। मिड ऑफ जनवरी है और अभी यहाँ पर मतलब ये कि बर्फ़ काफ़ी कम हो गया है, लेकिन साइडों पे अभी भी आपको यहाँ पर बर्फ़ पड़ गई, और जितना हम ऊंचाई पे जाते रहेंगे तो वो बर्फ़ जो है ना वो बढ़ती जा रही है। ये देखिए माशाल्लाह सुभानअल्लाह। ये जी, तो फाइनली हम नथिया गली पहुंच गए हैं और इसका जो लैंडमार्क है वो ये है चर्च नथिया गली का, और नीचे जो है ना ये पार्क है। बच्चों के लिए जो है ना झूले वगैरह भी यहाँ पर लगे हुए हैं। बर्फ़ जो है ना कहीं पर थोड़ी सी वो पिघली हुई है, तो उसकी वजह से वो काफ़ी जो है ना स्लिपरी है, तो चलने फिरने में जो है ना ज़रा मुश्किल हो रही है। और बाकी मौसम ठीक है, इतना ठंडा नहीं है। ये देखिए ये भाई, ये बाज है जी। अच्छा माशाल्लाह, तो ये क्या आप करते हैं इधर? कुछ भी नहीं, तस्वीरें वगैरह। हाथ फेर सकता हूँ इसके? अच्छी का तो नहीं, थोड़ा डर रहा है ना। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पर जो है ना ये ट्यूब पे स्लाइड कर रहे हैं, तो ये मेरे बेटा आपको तो जानते ही होंगे फुजैल। वालेकुम अस्सलाम। ये ऊपर अभी जा रहे हैं स्लाइड लेने के लिए। ये भी मिड ऑफ जनवरी है और ये बर्फ़ की हालत आप देख लें, माशाल्लाह से काफ़ी अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है। बाकी मेन जो उधर पार्क था नदिया गली में चर्च के पास, वहाँ पर तो आपने देख लिया था, लेकिन स्टिल जो है ना रोड साइड पर भी अभी तक काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। नथिया गली से हम निकल आए हैं और अभी जो है ना यहाँ पर हमने एक रेस्टोरेंट है लोकल यहाँ पर रास्ते में, तो इनसे हमने रिक्वेस्ट, तो पहले तो 1000 रुपये मांग रहे थे, तो थोड़ी सी मेहनत की 500 रुपये में राज़ी हो गया, लेकिन 500 रुपये ठीक है इसलिए कि मतलब ये कि व्यू भी अगर आप चेक करें, ये व्यू ये देखें,
तो बहुत खूबसूरत व्यू है। तो बस इधर बैठ भी जाएंगे, थोड़ा व्यू का भी मज़ा ले लेंगे और साथ में जो मतलब आराम से खाना भी खा लेंगे। हमारा आज का खाना ये है चिकन पुलाव और इसके साथ जो है ना ये सैलेड, ये रायता, चिकन कोरमा, मैक्रोनी मसाला और साथ में ये तंदूरी रोटी। खाना तो हमने खा लिया, सिरापुर पिज़्ज़ा और वो कहते हैं ना ताज़ी हवा खाने के लिए बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए दम कम लिखे उस रोटा पड़ ला डोंगा गली वाला। अच्छा ये भी डोंगा गली, जैसे हमने क्रॉस किया लंच तो कर लिया, आपको दिखाया भी है। अभी हम रवा दवा है मरी की तरफ। ये कौन सी जगह है? ये बंदर पॉइंट है, वो चीता पॉइंट है। अच्छा ये बंदर पॉइंट है, ये बंदर और वो पर चीता पॉइंट, उसको क्यों कहते हैं? यहाँ पर तो बंदर हैं तो वहाँ बस उसने वैसे नाम रखा है चीता पॉइंट। अच्छा लोग स्लाइडिंग वगैरह करते हैं। चल थैंक यू। तो अभी हम मरी के रास्ते जो है ना यहाँ पर आ गए हैं बंदर पॉइंट, और बंदर यहाँ पर हमारा जो है ना वो कहते हैं स्वागत करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आप कुछ भी खाने का नहीं ले रहे तो इवन देन यहाँ पर जो है ना ये बंदर पॉइंट पर ख़ासकर इस किस्म के छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं, और ये हट्स जो है ना मतलब इधर से ही आप ख़रीद के तो ये बंदरों को खिला सकते हैं। तो इनका भी जो है ना मतलब ये कि रिज़िक का एक वसीला बनेगा। कब से यहाँ पर? यह तकरीबन 16 साल हो गए। कितने? 16-17 साल हो गए। 16 तो यही के नथिया गली के या नहीं? नहीं, हम इसी जगह के नथिया गली। ये कौन सी है? ये हजारा है हमारा। हजारा का ही है ना? अयूबिया का इलाका है। अयूबिया का इलाका है। अच्छा, जितना नहीं है पूरे। तो ये किस में बनाते हैं? नमक में बनाते हैं? नमक में छली बनाते हैं। ये नमक फिर मतलब जल कर सारा इसका काला हो जाता है। ये काला हो जाता है और छली भी तैयार हो जाती है। और ये देखें इसके साथ ये नहीं है, ये नमक, लाल मिर्च और लीम वगैरह रखे हुए हैं, और ये इसके छे में जो तैयार प्रोडक्ट है वो ये है। तो ये बंदर तो आपसे ये छीन के नहीं ले जाते? ले जाते हैं मगर ये आगे सेफ्टी किया हुआ है। अच्छा, लेकिन कभी कभी फिर भी ले जाते हैं? ले जाते हैं वो, बस बादशाह है ना, माफ़ नहीं करते हैं। हाँ, माफ़ किसी को नहीं करते। अच्छा, मतलब इनको बिस्किट का चस्का लगा हुआ है। हाँ, बिस्किट का चस्का होता है ये। अच्छा ज़बरदस्त। ये देखिए इन्होंने, आपने मेरे ख्याल गंदम भी रखी हुई है। गंदम तो इनको डालते हैं ना ये। हाँ, गंदम का तो इनसे गुजारा हम करते हैं। ये गंदम भी रखी हुई है चाचा ने, साथ में बिस्किट रखी हुई है, और ये सिटे वगैरह हैं। हम सिटे बोलते हैं, बाद को छलियाँ बोलते हैं, बाद लोग इंग्लिश में भुट्टा बोलते हैं, बाद लोग ज्वार बोलते हैं, ज्वार भी बोलते हैं। मैं आपको एक शुगल मेला दिखाते हैं। Thank you.
अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं लेक व्यू पार्क। असल में अभी 6 बजे यहाँ पर बज गए थे, तो 6 बजे बिजली ऑफ हो गई थी। इन्होंने जो नोटिस लगाया है वो नोटिस ये लगाया है लेक व्यू पार्क में कि 6 बजे जो है ना पार्क बंद हो जाएगा। तो इनिशियली तो यहाँ पर वो बिजली एक 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए चली गई थी, लेकिन उसके बाद फिर आ गई। और ये अगर आप देख लें तो सारा कुछ है ना फिर रवा दवा हो गया है। घर की तरफ रवाना होंगे।